ये पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग कैसे सब लोग होप्पो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू स्ट विद मोट अवेटेड लेक्चर दट इज द रविजन लेक्चर फॉर द मे एंड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एग्जाम के लिए अमेंडमेंट जो भी है उसके लिए सेपरेट लेक्चर आएंगे लेकिन रिविजन लेक्चर के साथ साथ में जो भी अमेंडमेंट है वो ऑब्वियसली कवर होते जाएंगे हमेशा मैं स्टार्ट करता हूं रिवीजन लेक्चर कैपिटल गेन टैक्स रेट से लेकिन इस बार मैं रिवीजन लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं पीजीबीपी से बिकॉज पीजीबीपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और पीजीबीपी आपके एग्जाम में कवर करने वाला है अप्रोक्स ट्वेंटी मार्क्स के करीब सो so ये टॉपिक को अच्छे से आपको रिवाइज करना है आपका पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए और यह आने वाला एक डेढ़ घंटा है उस वन और वन एंड हाफ आवर्स में अपन क्या करेंगे पूरा पीजीबीपी है उसको अपन रिवाइज कर लेंगे स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन ट्वेंटी एट ये बोलती है कि सर कौन सी इनकम है जो पीजीबीपी एडमिट टैक्सेबल होती है सबसे पहला एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी टेक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीबी उसके बाद एक चीज समझना अगर आपको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी सब्सिडी मिलती है कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है या फिर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको कोई इंपोर्ट एंटाइटलेंट लाइसेंस मिला था और वो इंपोर्ट एंटाइटलेंट लाइसेंस किसी को आप सेल कर देते हो उससे जो इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हेडीजीबीपी तो देखो मैंने क्या बोला एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में अगर आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को आप सेल कर देते हो और उससे जो इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हेडीजीबीपी अब एक बात समझना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक जगह एक डीपीबी और डीएफआरसी का कंसेप्ट आता है डीपीबी का मतलब होता है ड्यूटी एक्समिशन पासबुक एंड डी का मतलब होता है ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट लेकिन ये आजकल है ये बंद हो गया आजकल ऐसा मिलता नहीं बट अगर मान लो आपको डीईपीबी मिला या डीएफआरसी मिला और वो आपने किसी को बेचा उससे जो इनकम होती है दैट विल टैक्सेबल अंडर द हेड अब एक चीज समझना पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से अगर रेम्युनरेशन मिलता है सैलरी कमीशन बोनस मिलता है दैट विल टैक्सेबल अंडर द हेड एक चीज ध्यान रखना पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से इंटरेस्ट मिलता है

आप किसी के साथ में जो भी पेटेंट है ट्रेडमार्क है वो किसी के साथ और शेयर नहीं करोगे मीनस नॉन शेयरिंग ऑफ एनी ट्रेडमार्क कॉपीराइट फ्रेंचाइजी डिजाइन फॉर्मुला उसके लिए अगर आपको कोई पैसा मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी तो कुछ बिजनेस वगैरह बिजनेस प्रोफेशन ना करने के लिए आपको पैसा मिलता है या फिर आपके पास कोई भी पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज डिजाइन फॉर्मूला है वो किसी और के साथ आप शेयर नहीं करोगे उसके लिए आपको कोई पैसा मिलता है दैट विल भी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अब एक और चीज समझना अगर आपका कोई भी कैपिटल

अगर मान लो कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है मॉडिफिकेशन होता है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है तो उससे जो भी इनकम होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ये वाली जो इनकम है वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है अब एक और चीज समझना पीजीबीपी में एक चीज ध्यान रखना स्पेलेटिव बिजनेस नॉन स्पेलेटिव बिजनेस को सेपरेट बिजनेस ट्रीट करोगे उनको आप एक साथ में नहीं आपको अलग अलग बिजनेस ट्रीट करना है स्पेक्यूलेटिव नॉन स्पेलेटिव ऐसा इसके लिए बिकॉज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस

र फोर्ड ट्रांजेक्शन दैट विली लुक्स लाइक अस्पेलेटिव बट इट इज नॉट अस्पक्युलेटिव ट्रांजेक्शन सबसे पहला अगर आप कोई हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेते होजिंग कॉन्ट्रेक्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल या फिर मर्चेंडाइज और तुम्हारा स्टॉक एंड शेयर मीस आपका हैजिंग कॉन्ट्रेक्ट है दट विल नॉट बी ट्रीटेडेड द स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन दूसरा अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तीसरा अगर आप मान लो डेरिवेटिव में काम करते हो अगर आप डेरिवेटिव करते हो थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी या डेरिवेटिव इन द कमोडिटी एमसीएक्स में अगर आप डेरिवेटिव के ट्रांजेक्शन करते हो तो भी स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं माने जाएंगे लेकिन एक चीज समझना कॉमोडिटी के के केस में कंडीशन है कि वहां पर आपका सी पे होना चाहिए

मैंने क्या बोले देखो चार ट्रांजेक्शन ऐसे है। पहली चीज स्पेकुलेटिव मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जहां एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती एग्जाम्पल के लिए आप ले लो इंट्राडे जो भी इंट्राडे के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अपन स्पेकुलेटिव स्पेकुलेटिव बोलते हैं तो अगर इंट्राडे वगैरह है दैट इज द लेकिन चार ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो स्पेकुलेटिव नहीं माने जाएंगे जैसा लगेगा स्पेकुलेटिव स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा सबसे पहला अगर आपका हैचिंग कॉन्ट्रैक्ट है दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तीसरा तुम्हारा ट्रेडिंग इन द दे डेरेटिव ऑफ शेयरिटी एंड सिक्योरिटी एंड उसके बाद ट्रेडिंग इन द कॉमोडिटी डेरेवेटिव है वो तुम्हारा स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा अब एक चीज समझना सेक्शन ट्वेंटी ये बोलती है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी का इनकम तो पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए कोई बात नहीं सेक्शन थर्टी

एगा रेट्स एंड इंश्योरेंस एंड रिपेयर है वो ओनर है या टेनेंट है दोनों को अलाउ होगा लेकिन रिपेयर में ध्यान रखना करंट रिपेयर जो रेवेन्यू रिपेयर होता है वही अलाउ होता है कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता क्योंकि कैपिटल रिपेयर है वो तुम्हारी की में जुड़ जाता है उसके बाद सेक्शन थर्टी

के केस में वगैरह अगर टेनेंट ने टेनेंट ने ने कैपिटल कैपिटल रिपेयर रिपेयर करवाया करवाया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे टेनेंट टेनेंट ने ने कैपिटल कैपिटल रिपेयर रिपेयर करवाया करवाया वो सीधा के डेबिट में डाल देंगे आंसर इस नो टेनेंट ने तो भी उसको कैपिटलाइज करेंगे टेनेंट की बुक में और उसको

ऐसा क्यों क्योंकि अगर लेसी को डेप्रीसिएशन दे दिया तो लेसी क्या करेगा कि भैया वहां पे जो लीज रेंट भी डिडक्शन ले लेगा और डेप्रीशिएशन भी ले लेगा ले डबल डिडक्शन ले लेगा। दैट्स लेसर है वो ऑलवेज डेप्रीशिएशन क्लेम करता है अब एक और चीज समझना हायर परचेज के के केस में आप ओनर बनते हो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तब बनते हो लेकिन एक चीज समझना आप डेप्रिशिएशन इनिशियल

स में इंटेंचिबल असेट में आ जाएगी और प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में क्या आएगा जो बच गया वो तुम्हारे प्लांटेड मशीनरी की डेफिनेशन में आ जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि प्लांटेड मशीनरी से कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखी है एक तो एनिमल्स एनिमल्स है वो प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएंगे टी बुशे वो प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएंगे करके ठीक है एंड फर्नीचर है एंड बिल्डिंग है वो प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएगी तो जो भी एनिमल्स है वो तुम्हारे प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएंगे टी बुशेज प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएंगे एंड बिल्डिंग फर्नीचर है वो प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएगी लेकिन एक चीज समझना बुक्स है वो प्लांटेड मशीनरी में आ जाएगी सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर के पास वो भी

ने यहाँ पे अमेंडमेंट किया और निर्मला सीतारमण ने यहां पे बोला कि अगर आपने मोटर व्हीकल है वो परचेस किया एंड पुट टू यूज किया बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 तक 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक एक्वायर एंड पुट टू तो उस केस में नॉर्मल मोटर 30% की परसेंट से डेप्रीशियन मिलेगा एंड अगर hiring business है तो तो 45% की रेट से depreciation मिल जाएगा देखो मोटर व्हीकल के केस में आप क्या बोलोगे नॉर्मल मोटर व्हीकल फिफ्टीन अदर मोटर व्हीकल है वो 30%. अब एक समझना, अगर आपने 2019 से लेके वो नॉर्मल वाला है तो उस पर थर्टी एंड हायरिंग बिजनेस

की रेट से डेप्रिशिएशन मिलेगा एंड इनटेंजिबल असेट होती है उस पर आपको बेटा ट्वेंटी फाइव परसेंट की रेट से डेप्रिशिए मिल जाता है अब एक और चीज समझना

सिस्टम से डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है दो तरीके का सिस्टम होता है एक इंडिविजुअल सिस्टम एक ब्लॉक ऑफ अट सिस्टम इंडिविजुअल सिस्टम वैसा वाला जो आप अकाउंट में फॉलो करते हो हर एक का हिसाब अलग अलग रखते हो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सिस्टम एक चीज समझना आप अगर एस एल एम मैथड फॉलो करते हो और एस एल एम मैथड कौन फॉलो कर सकता है सिर्फ पावर जनरेशन या पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है वो एस एल एम मैथड फॉलो कर सकते हैं अगर आप एस एल मैथड फॉलो करते हो तो आपको इंडिविजुअल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा लेकिन अगर आप डब्ल्यू डीवी मेथड फॉलो करते हो एंड नाइन पॉइंट परसेंट लोग ऐसे रहते हैं जिनको डब्ल्यू डीवी

सबसे पहले ब्लॉक का आप ले लो ओपनिंग डब्ल्यू डीवी ऑफ ब्लॉक और ओपनिंग डब्ल्यू डीवी ऑफ ब्लॉक में आप है वो एड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब इस साल जो असेट एक्वायर की उसका एक्चुअल कॉस्ट है वो आप एड कर दो लेकिन एक चीज समझना एड करते टाइम आपको तीन पार्ट में एड करना है सबसे पहला असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज वन एटी डेज और मोर

म सेल में आपने कोई अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर दिया तो जितना डब्ल्यूडीवी उस अंडरटेकिंग का था वो असेट्स का डब्ल्यूडीवी आप लेस कर दोगे अपने एक्साम्पल में आपको बता रहेगा मैंने बता था टाइटन का मान लो टाइटन जो है उसने क्या किया तनिश वाले सेगमेंट को बेच दिया तो यहां पे टाइटन का डब्ल्यूडीवी था मान लो फाइव करोड़ आउट ऑफ दैट तनिश का डब्ल्यूडीवी आया वन करोड़ तो वन करोड़ को आप लेस कर दोगे फोर करोड़ है वो टाइटन का डब्ल्यूडीवी रहेगा तो देखो मेरी तरफ देखो डब्ल्यूडीवी कैसे निकालेंगे डेप्रिशिएशन के लिए सबसे पहले ले लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ओपनिंग डब्ल्यू में एड करो

जब भी असेट आप एक्वायर करते हो और पुट टू यूज लेस देन वन एटी डेज यूज करते हो उस साल में तो आपको हाफ रेट से डेप्रिशिए मिलेगा लेकिन एक चीज समझना ये हाफ रेट वाला फंडा सिर्फ उसी ईयर के लिए लगेगा जिस ईयर में वो एक्वायर की है अगर असट एक्वायर की पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर की और नेक्स्ट ईयर लेस देन एटी डेज है तो उस केस में फुल रेट से डेप्रिशिए मिलेगा जैसे नाइनटीन में मैंने एक एक्वायर की इस साल मैंने यूज की नहीं अगले साल मैंने यूज किया लेस देन वन डेज तो अगले साल आपको फुल रेट से डेप्रिशिए मिल जाएगा ये जो हाफ रेट वाला फंडा है ये सिर्फ उसी ईयर के लिए लगेगा जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की जाती है अब एक और चीज समझना अगर मान लो इस साल में अमलगमेशन, डीमर्जर या सक्सेशन हो जाता है

दिन आपने असेट यूज की उस रेशियो में आप उसको क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे जितने दिन आपने असेट यूज की उस रेशियो में आप उसको क्या करोगे डिवाइड कर दोगे अब एक बात समझना सेक्शन 50 ये बोलती है कि आप एक बात बताओ डेप्रिशियेबल अट जब आप बेचते हो तो कैपिटल गेन कब हो सकता है एक चीज ध्यान रखना डेप्रिशिएबल असट जो ब्लॉक ऑफ असट की असट होती है उसको अगर आप बेचते हो तो कैपिटल गेन दो केस में हो सकता है पहला तो अगर आपका ब्लॉक सीज टू भी एग्जिस्ट हो जाए आपने पूरा ब्लॉक बेच दिया आपके पास ब्लॉक में कुछ भी नहीं बचा आपका पूरा ब्लॉक बेच दिया तो उस केस में आपको कैपिटल गेन हो सकता है इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उस केस में डेप्रिशिएशन आपको नहीं मिलेगा अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यू प्लस परचेज से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यू प्लस से कम है तो उस केस में आपका क्या तो ब्लॉक हो, हो जाता है जितनी असेट आपके ब्लॉक में पूरी हो जाती है पूरी सब बेच देते हो तो उस केस में आपको आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा हमेशा ध्यान रखना हो एक और चीज समझना अगर आप मान लो कुछ असेट बेचते हो

हो और तुम्हारा सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग uh, प्राइस जो है वो ओपनिंग डब्ल्यू डीबी प्लस परचेस में जो की परचेस ज्यादा हो जाता है तो उस केस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अदरवाइज आपको नॉर्मल है वो आपको मिलेगा जैसा इस में आपको मैंने बता रखा है नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन थर्टी टू वन टू एज रिलेटेड टू एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा सर क्वेश्चन आता एडिशनल एडिशनल किसको मिलेगा सिर्फ चार लोगों को मिलता है या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या फिर पावर जनरेशन बिजनेस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में या पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में अगर आप चार बिजनेस में हो कि मैनुफेक्चरिंग बिजनेस में पावर जनरेशन बिजनेस में पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में तो मैंने क्या बोला मैनुफेक्चरिंग बिजनेस पावर जनरेशन पावर ट्रांसमिशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो उस केस में आपको एडिशनल है वो आपको मिल जाएगा एक और चीज समझना एडिशनल क्या हर असेट पर मिलेगा आंसर इज नो ओनली प्लांटेड मशीनरी पर मिलेगा एडिशनल ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा और वो भी सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा ऑफिस में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा अकोमोडेशन में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा जिसपे आप हंड्रेड परसेंट डिडक्शन लेते हो उस भी आपको नहीं मिलेगा तो एडिशनल इज अलाउड ओनली ऑन द प्लांट एंड मशीनरी बट वो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए जो भी सेकंड हैंड है उस पर नहीं मिलेगा ऑफिस या रेसिडेंशियल में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा व्हीकल्स एयरक्राफ्ट या शिप पे नहीं मिलेगा और जिस पर आप हंड्रेड पर डिडक्शन ले लेते हो उस पर भी आपको नहीं मिलेगा एडिशनल सिर्फ उसी साल में मिलता है जिस ईयर में आप पहली बार अट को पुट टू

यहां पे अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं पावर जनरेटिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसमिशन की नहीं अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड फिफ्टीन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना वेस्ट बंगाल तो वहां पर एडिशनल डेप्रीशिए रेट से जगह थर्टी फाइव परसेंट हो जाएगा और पुट टू अगर लेस देन एटी डेज है तो उसके सेवेंटी आपको अगले साल मिल जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना यह सिर्फ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तक आपनेट पुट टू यूज किया तो यह थर्टी फाइव परसेंट वाला बेनिफिट है वो आपको मिलेगा तो मैंने क्या बोला अगर आपने मैनुफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और

इज करना पड़ेगा अगर आपने असेट को लोन लेके खरीदा है तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है, वो सीधा पी एंडल के डेबिट में चला जाएगा उसके बाद में अगर मान लो गवर्नमेंट से आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है तो उस केस में वो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा लेस अब एक और चीज समझना यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना अगर कोई को एक्वायर करते हो और सिंगल डे में किसी सिंगल पर्सन को दस हजार से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो इन अ सिंगल डे टू सिंगल पर्सन ए पेमेंट इज मेड मोर देन टेन थाउजेंड टू सिंगल डे इन सिंगल डे टू पर्सन बाय बाय मोड अदर देन अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या एनी अदर नोटिफाइड मोड उनको छोड़ के अगर आप कैश में वगैरह पेमेंट करते हो टेन थाउजेंड से ज्यादा का इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन तो वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा तो मैंने क्या बोला कि अगर टेन थाउंट से ज्यादा का किसी को अटेट से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो या इंस्टॉलेशन का वगैरह कुछ पेमेंट कर रहे हो इन सिंगल डे टू अंगल पर्सन तो टेन से ज्यादा है तो वो आपको अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करना पड़ेगा क्या क्या बोले मैंने बोला अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है या एनी अदर मोड एस मे बी नोटिफाइड उसी से आपको करना पड़ेगा अब एक बात समझना सेक्शन फोर्टी थ्री वन की कुछ एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है सर कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन है तो फोर्टी थ्री वन की कुछ सिंपल सिंपल है, है. सबसे पहला एक्सप्लेनेशन नंबर वन ये बोलता है कि अगर कोई असट है जो पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था सिंपल सिंपल है देखो पहले कोई asset है वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था उसको आज आपने अपने बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया रेनबेक्स या रेनबेक्स क्या करती थी asset को पहले लेबोरेटरी में यूज करती थी लेबोरेटरी में रिसर्च कंप्लीट हो गया उसके बाद उस को उन्होंने बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया तो जब आप बिजनेस में यूज करना चालू करोगे तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा मैं बताऊं एक्चुअल कॉस्ट वही

आपका स्टॉक इन ट्रेड था और स्टॉक इन ट्रेड को आपने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया और वो कैपिटल असेट अगर आप बिजनेस के लिए यूज करते हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है जो कन्वर्जन के टाइम पे एफ था वही तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी इन सिंपल वर्ड आई कैन टेक वन एक्साम्पल जैसे मुंबई में एक बिल्डर है जिसका नाम है कलपत्रु बिल्डर कलपत्रु बिल्डर ने एक मान लो कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया उसमें एक 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 लाइक उसमें उसमें यू कैन से दैट यूनिट यूनिट है वो पहले स्टॉक इन ट्रेड थी उन्होंने सोचा कि ही अपना ऑफिस बना देते हैं तो एक बात बताओ पहले स्टॉक इन ट्रेड थी अब उसको उन्होंने क्या कर दिया उसको कैपिटल सेट में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज उसको उन्होंने बिजनेस के लिए यूज करना चालू कर दिया पहले वो पी पीएनडल में था अब सीधा उसको कहां पे बैलेंस शीट में लेके आ गए

मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रोफिट मेकिंग कंपनी को हायर वैल्यू पे असेट सेल कर देते हैं तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी क्या करती है हायर वैल्यू पे को एक्वायर करती है सिर्फ किस लिए पता है जिससे कि एनहांस वैल्यू पे डेप्रिशिएशन मिल जाए तो उस केस में इसकी एक्चुअल कॉस्ट है है वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर तो देखो अगर आपने कोई असेट है वो एक्वायर की और वो हायर वैल्यू पे एक्वायर की और आपका मेन इंटेंशन जो है वो मेन इंटेंशन हायर वैल्यू पे लेना है इन दैट केस योर एक्चुअल कॉस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर और इस केस में ध्यान रखना असेसिंग ऑफिसर नॉर्मली जो फेयर मार्केट वैल्यू रहता है उसी को वो एक्चुअल कॉस्ट बना देता है दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री एक्सप्लेनेशन नंबर फोर ये बोलता है कि कोई असेट आपकी थी और आपने उसको ट्रांसफर कर दिया और बाद में आपने उसको कर दिया Means आपने ट्रांसफर कर दिया था बट आपने वापस उस एसेट को रीअक्वायर कर दिया तो इस केस में री के केस में आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा पता है जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम आपका डब्ल्यू कितना था और री कितने में किया विच एवर इज लोअर है दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट तो कोई एसेट मान लो मेरी थी बीबी की असेट थी मैंने राम को बेची राम ने लक्ष्मण को बेची लक्ष्मण ने सीता को बेची सीता ने मान लो हनुमान को बेची हनुमान ने मान लो किसी और को बेची ठीक है और उसने मुझे बेच दी तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी जब मैंने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम मेरे लिए डब्ल्यू क्या थी और मैंने जो रीअक्वायर किया उस टाइम पर वैल्यू क्या है एवर इज लोअर है वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा एक्सप्लेनेशन नंबर फोर एसेट एक्वायर की आपने किसी से असेट एक्वायर की और सेम पर्सन को वापस लीज बैक कर दी आपने किसी से एक्वायर की और आपने सेम पर्सन को लीज बैक कर दी तो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है सेलर का WDV. तो मैंने मान लो किसी कंपनी से एक्वायर की और उसी कंपनी को वापस से लीज बैक कर दिया तो जो सेलर है वो कंपनी उसका जो डब्ल्यू था एट द टाइम ऑफ सेल वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा इज द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन नंबर नंबर ए ये बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है जो पहले आप किसी अदर पर्पज के लिए यूज करते थे हो सकता है रेसिडेंस पर्पज या किसी और पर्पज के लिए यूज करते थे लेकिन आज आप क्या करते हो उसको अपने बिजनेस में यूज करते हो बिजनेस में लेके आते हो तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो?

नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करूंगा और नोशनल डेप्रिसिएशन आज की डेप्रिसिएशन रेट से

कोई नॉन रेजिडेंट है उसने इंडिया के बाहर सेट एक्वायर की थी इंडिया के बाहर उसको यूज करता था उसने आज क्या कर दिया उसको इंडिया में बिजनेस में लाया और इंडियन बिजनेस में उसको यूज करना चालू कर दिया तो यहां पर उसने खरीदा था और वहां से लेकर और अब तक जब उसने इंडिया में के बिजनेस में यूज करना चालू किया तब तक जितना डेप्रीशिएशन अगर उसको इंडिया के बिजनेस में यूज करते और जितना डेप्रीशिएशन अलाउ होता उतना हम लेस कर देंगे इन सिंपल वर्ड यहां नोशनल डेप्रीशियशन आप लेस कर दोगे और जो भी बचेगा वो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा उसके बाद में जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे वगैरह वो पहले हुआ करते थे अब कंपनी 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 बन बन तो तो उस केस में में सर के के लिए लिए क्या क्या होगी जो का था जाएगी actual cost. उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन नंबर थर्टीन एक्सप्लेनेशन नंबर थर्टीन ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी असेट है थर्टी फाइव एडी का डिडक्शन ले लिया आपने थर्टी फाइव एडी का डिडक्शन ले लिया थर्टी फाइव एडी वो कोल्ड चेन फैसिलिटी हॉस्पिटल होटल सेक्शन सेवन में जो आता है इनहेरिटेंस है, 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 है या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को ट्रांसफर किया अमल कमिशन डी मर्जर तो उसमें टैक्स नहीं लगता तो क्वेश्चन आगे वाले एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी मैं बोलू आगे वाले एक्चुअल ही रहेगी आगे वाले के लिए उसके बाद एक और चीज समझना अगर कोई भी असेट है जो आपके बिजनेस में यूज होती है लेकिन आपके बिजनेस का इनकम पार्टली एग्रीकल्चर है पार्टली बिजनेस है कौन से केस में टी कॉफी रबर याद है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ द टी कॉफी 60 होता है 35 -75 होता है 35 65 होता है ट्वेंटी 75 फाइव होता है उसमें एक चीज समझना कोई भी असेट पर आप डेप्रिशिएशन ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही तुम्हारा बिजनेस इनकम है आप डेप्रिशिएशन ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही बिजनेस है और एक चीज समझना जो डेप्रिशिएशन आएगा वो आप पीएनडल के डेबिट में डालोगे और जितना पीएनडल डेबिट में डेप्रिशिएशन डाला उतना ही आपको ब्लॉक से लेस करना है उतना ही आपको ब्लॉक है वो ब्लॉक से आपको लेस करना है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग केस में अगर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग जो है जो एस एल एम मैथड फॉलो करती है तो क्या होगा असेट को बेचने पर देखो डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करती है तो तो वो ब्लॉक का पार्ट बनेगा वो पार्ट ब्लॉक फुल ब्लॉक अपन ने अभी देखा थोड़ी देर पहले लेकिन अगर मान लो आप एस एल एम मैथड फॉलो करते हो तो उस केस में आप असेट को सेल कर देते हो क्या होगा डब्ल्यूडीवी से कम पैसा आया तो जितना भी लॉस होगा उसको टर्मिनल डेप्रिशिएशन बोला जाएगा पीएनडल के डेबिट में तो डब्ल्यूडीवी से कम पैसा आया पीएनडल के डेबिट में टर्मिनल डेप्रिशिएशन डब्ल्यूडीबी से ज्यादा पैसा आया लेकिन एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपका बैलेंसिंग चार्ज पी एंडल के क्रेडिट में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी और अगर कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आ जाता है आपको कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो सीधा कैपिटल कैपिटल गेन गेन होगा शॉर्ट टर्म सेक्शन हंड्रेड में खरीदा था आज डब्ल्यू डीवी है, है आप अगर उसको सेवेंटी में बेच देते हो टेन का लॉस हुआ सीधा पी एंडल के डेबिट में अगर आप नाइनटी में बेच देते हो टेन का प्रॉफिट हुआ पीएनडल के क्रेडिट में अगर आप उसको वन में बेच देते हो तो थर्टी तो कैपिटल गेन होगा और जो ट्वेंटी है वो तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम है वो आ अब एक और चीज समझना सर गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलता है वो क्या होता है मैं बता दू गवर्नमेंट ग्रांट इज ऑलवेज टैक्सेबल जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है ना दैट इज द ऑलवेज टैक्सेबल तो गवर्नमेंट से अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला या फिर कैश इंसेंटिव मिला ड्यूटी ड्रॉबैक मिला या वेवर ऑफ लोन वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिला तो बेटा ये अभी टैक्सेबल है ध्यान रखना गवर्नमेंट ग्रांट इज टैक्सेबल लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है पहला तो अगर असेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है तो वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाता है एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर टेन ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री तो अगर कोई असेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है तो एक्चुअल कॉस्ट से लेस होगा लेकिन बाकी वाला गवर्नमेंट ग्रांट है दैट विल बी टैक्सेबल अब एक और चीज समझना अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ट्रस्ट बनाया और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट देती है एज अ कॉर्पस फंड केस में वो नहीं होगा। तो देखो, मैंने क्या बोला आज की डेट में आपको दो है पहला गवर्नमेंट ग्रांट टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं क्योंकि लेस हो जाएगा और दूसरा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एज अ कॉर्पस कोई ग्रांट मिलता है तो उस में टैक्सेबल नहीं होगा एक और चीज समझना इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कोई भी आपको ग्रांट वगैरह मिलता है। जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको जो गैस पे सब्सिडी मिलता है करके या किसान की अगर फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस पर कोई भी सब्सिडी मिलता है तो उस केस में मैं बता दूं ये तुम्हारा इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए सब्सिडी है ये टैक्सेबल नहीं होता है यू गॉटमा पॉइंट यस अब एक और चीज समझता

अब एक और चीज समझना बहुत बार ऐसा होता है कि कोई असेट है वो पार्टली बिजनेस के लिए यूज होती है पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है तो एक चीज ध्यान रखना जो भी डेप्रिशिएशन है उस असेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो जितना बिजनेस प्रोफेशन यूज हो रहा है उतने ही अलाउ होंगे जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उतने खर्चे अलाउ नहीं होंगे लेकिन एक चीज समझना जितना

मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना वेस्ट बंगाल और वहां पे आप न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल करते हो तो आपको 15 की रेट से सीधा इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा लेकिन आपको एक्वायर्ड और इंस्टॉल कब तक करना है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तक ये जो है तुम्हारा प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी लास्ट ईयर है इस सेक्शन का तो देखो मैंने क्या बोला कोई भी एस एस एनी पर्सन कर इंडिविजुअल एच कोई भी हो अगर आपने मैनुफेक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना वेस्ट बंगाल और वहां पे आप न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वाइर्ड एंड इंस्टॉल करते हो थर्ट फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी प्लांटेड मशीनरी है वो आपको इस साल किया इंस्टॉल किसी और साल में किया तो जिस ईयर में इंस्टॉल करोगे उस ईयर में आपको फिफ्टीन परसेंट की रेटेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा लेकिन एक चीज समझना इंस्टॉल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तक होना चाहिए बिकॉज दिस इज दास्ट ईयर अब एक और चीज समझना सर क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे सर जब आप न्यू प्लांटेड मशीनरी की बात कर रहे हो न्यू प्लांटेड मशीनरी का मतलब क्या सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए ऑफिस में यूज होती है वो नहीं होनी चाहिए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है वो नहीं होनी चाहिए उसके साथ में जो भी जिस पे आपको 100% डिडक्शन मिलता है वो नहीं होनी चाहिए शिप एयरक्राफ्ट है व्हीकल्स है वो सब नहीं होने चाहिए अब एक और चीज समझना सर इन पे तो एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता है वो मिलेगा यानी आंसर इज यस वो तो, तो मिलेगा ही मिलेगा देखो एडिशनल डेप्रीशिए तो मिलेगा ही मिलेगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो उससे भी एक्स्ट्रा है एक और चीज समझना अलाउंसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन तो ब्लॉक से लेस भी होता है लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपके ब्लॉक से भी लेस नहीं होगा जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपके ब्लॉक से भी लेस नहीं होगा ब्लॉक जो है वो ब्लॉक से भी आपको लेस करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस लेते हो तो इस केस में एक चीज ध्यान रखना पांच साल तक नहीं कर सकते आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है अमल कमीशन हुआ डीमर्जर हुआ या फिर तुम्हारा सक्सेशन हुआ जो सेक्शन फोर्टी में बोला हुआ है, तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना है यहां पर यहां पे जो एडिशनल तो कैसा रहता है लेस देन 180 डेज का पुट टू यूज है तो हाफ रेट से मिलता है तो क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी हाफ रेट से मिलेगा आंसर इज नो इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको फुल रेट से मिलेगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको फुल रेट से मिलेगा मींस इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको पूरा 15% से मिल जाएगा और मैं बता दूं यहां तो पुट टू यूज की जरूरत ही नहीं है सिर्फ आपको एक्वाइड और इंस्टॉल करना है आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो 15% की रेट से मिल जाएगा यू गॉट माइ पॉइंट और नॉट यस नेक्स्ट सेक्शन पे चलते थर्टी थ्री एबी और एबीए अब एक बात समझना बोलती है सबसे पहले एस एस सी कौन होना चाहिए कोई भी चलेगा अगर मान लो वो एंगेज इन द ग्रोइंग एंड मैफरिंग ऑफ टी कॉफी रबर तो अगर आप ग्रोइंग एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबर में हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा में. लेकिन अगर आप एंगेड हो इन द बिजनेस ऑफ द प्रोस्पेटेशन एक्सट्रेक्शन ऑफ द मिनरल ऑइल्स मतलब नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम इन इंडिया अगर इंडिया में नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के किस में या तो आप एक्सट्रेक्शन में प्रोस्पेक्टेशन या प्रोडक्शन में हो थर्टी थ्री एबीए में

ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एवर इज अर्लियर लेकिन उसमें एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक आपको जमा करवाना पड़ेगा डिडक्शन कितना मिलेगा ऑफ ऑफ पीजीबीपी पीजीबीपी और द अमाउंट एवर इज लोअर जो भी है पैसा उसको आपको यूज करना पड़ेगा एज पर द टी कॉफी एंड रबर बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब यूज बोला है उसके हिसाब से और वहां मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया अगर उस पैसे को आपने मिस यूटिलाइज किया तो जिस ईयर में आप उसको मिस यूटिलाइज करोगे उस ईयर में वो वापस से आपका टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर मैं टी की बात करूं जैसे आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में थे, तो सर अगर विद्रो होगा तो टैक्सेबल कितना होगा पूरा 100 परसेंट या 40 परसेंट राइट आंसर इज 40 परसेंट क्योंकि आपका जो इनकम होता है वो 40 परसेंट बिजनेस का इनकम होता है तो जब भी विद्रॉ होगा तो उस केस में भी आपका फोर्टी परसेंट टैक्सेबल होगा अब एक और चीज समझना है यहां पर जो पैसा आप विड्रॉ करते हो नाबार से या सेट रेस्टोरेशन अकाउंट से आपको उसी ईयर में उसको यूज करना पड़ेगा अगर उस ईयर में आपने यूज नहीं किया तो उस ईयर में जितना भी अनयूज अमाउंट है वो आपके लिए वापस से पीजीबीपी का इनकम है वो बन जाएगा जैसे मान लो 10 आपने विड्रॉ किया और उसमें से आपने आपने यूज यूज कर लिया 3 यूज नहीं किया किया टिल मार्च तक मतलब सपोज इस साल में आपने किया, तो जिस ईयर में विद्रॉ करोगे उसी ईयर में उसको यूज करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब मोड के लिए अगर आपने नहीं किया तो वो आपके लिए वापस से पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा अब एक और चीज समझना उसको आप यूज कर सकते हो जो भी मोड्स दे रखे प्रिस्क्राइब परपज दे रखे उसके लिए लेकिन एक चीज समझना तीन चीजों के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते एक तो आप उससे कोई भी प्लांटेड मशीनरी ऐसा नहीं खरीद सकते जो ऑफिस प्रिमाइस या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है या फिर कोई भी ऑफिस अप्लायसेज नहीं खरीद सकते लेकिन कंप्यूटर खरीदोगे तो चलेगा कंप्यूटर अलाउ है और ऐसी प्लांटेड मशीनरी आप एक्वायर नहीं कर सकते जिसपे ऑलरेडी आपको हंड्रेड डिडक्शन मिल जाता है अब एक और चीज समझना है यहां पे कि जो भी आपने पैसा यूज किया और वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए है, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ध्यान रखना आपको वो खर्चे का आप नहीं ले सकते विपज तो तो, के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो एक्सपेंडिचर को क्या मैं एंडल के डेबिट में डाल सकता हूं आंसर इज नो नहीं डाल सकते लेकिन एक और चीज समझना अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो क्या, उस yes, उस मिल जाएगा कोई दिक्कत

होता है या पार्टीशन के टाइम पे विद्रो होता है वो टैक्सेबल नहीं होगा तो देखो टी कॉफी रबार्ड में डाला था वो विद्रॉ करते हो अगर क्लोजर अगर आप विद्रॉ करते हो देस्ट सेक्शन इज थर्टी फाइव थर्टी फाइव इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च अब एक बात समझना साइंटिफिक रिसर्च पे आप जो खर्चा करते हो तो केस में आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा मेरी तरफ देखो आप उसको बुक में देखने की जरूरत नहीं एक बार मेरी तरफ देखो देखो दो पार्ट सबसे पहला रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आपका बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में आप रिसर्च कर रहे हो रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एक काम करते हैं अपन इस पार्ट को अपन सेक्शन थर्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले आपका पार्ट वन इज इन इन हाउस हाउस रिसर्च रिसर्च का मतलब होता है सेल्फ स्पेंडिंग मीन आप अपने बिजनेस के लिए रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करते हो तो उसमें दो पार्ट सबसे पहला रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस बिजनेस भी चल रहा है रिसर्च भी चल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लैंड को छोड़ के बाकी पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा अब एक बात समझना मैंने क्या बोला रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस रेवेन्यू पे हंड्रेड परसेंट कैपिटल को छोड़ के बाकी पे हंड्रेड परसेंट बट रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस तो क्या उस पर भी डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस बिजनेस कमेंस करने से पहले कोई रिसर्च का खर्चा करोगे उस पर भी डिडक्शन मिलेगा लेकिन मैक्सिमम थ्रीफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस जिस डेट को आपने बिजनेस कमेंस किया उसके पिछले के मैक्सिमम थ्री इय का डिडक्शन है थ्री इयर्स के खर्चों का डिडक्शन मिलेगा और उसमें भी एक चीज ध्यान रखना रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल और सैलरी पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे तो देखो बिजनेस कमेंस से पहले आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया तो रेवेन्यू में मटेरियल एंड सैलरी सैलरी में भी भी को छोड़ के उस पे आपको 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा और कैपिटल में बेटा लैंड को छोड़ के बाकी पे आपको 100 परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो आप जो रिसर्च करते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस भी चल रहा है रिसर्च भी कर रहे हो लेकिन अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है पहला अगर एस कंपनी है

की थी उसके हिसाब से तो मेरी तरफ देखो

लिंक पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा ड्यू टू सेक्शन 3514 की वजह से अब एक बात समझना नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दैट इज द कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आप अगर किसी आउटसाइडर को डोनेशन देते हो तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा 35 में आंसर इज यस सबसे पहले आपको ये देखना है डोनेशन किसको दे रहे हो अगर आप डोनेशन देते हो टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू को टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू राहुल आईसीयू का मतलब क्या था राहुल का मतलब रिसर्च एसोसिएशन आई का मतलब इंस्टीट्यूट सी का मतलब कॉलेज और यू का मतलब यूनिवर्सिटी

और बिल्डिंग की वैल्यू को अलग करना पड़ेगा क्योंकि इन हाउस रिसर्च के केस में लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलता बट बिल्डिंग जो होती है बिल्डिंग पे आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पे जो ये पहला वाला पार्ट था ना राहुल आईसीयू वाला इसमें एक चीज समझना कि जिस दिन आपने डोनेशन दिया उस दिन वो अप्रूव्ड था

हो तो उसका जो भी खर्चा है वो कैसे करोगे दो सबसे पहले टेकन आफ्टर बिजनस. बिजनस भी चल रहा है ले लिया में आपने पेमेंट किया उस ईयर से डिडक्शन मिलेगा और जिस ईयर में आपने का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक डिडक्शन मिलेगा लेकिन एक चीज समझना लाइसेंस टेकन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट इज ऑलरेडी मेड मीस बिजनेस है ही नहीं और आपने लाइसेंस ले लिया और पेमेंट भी कर दिया देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द इयर इन विच बिजनेस इज कमेंस टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर यू गॉट माई पॉइंट आर नॉट यस तो देखो दो पार्ट लाइसेंस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट पेमेंट वाले ईयर से डिडक्शन मिलेगा टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर बट इफ लाइसेंस टेकन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट इज ऑलरेडी मेड देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन बिजनेस इज कमेंस टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस यहां पे ध्यान रखना अगर मिड ऑफ द ईयर लाइसेंस लिया और पेमेंट पे किया तो यहाँ पे टेन ईयर की जगह इलेवन ईयर हो जाता था ऐसा मैंने आपको वहां पर बताया था एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा अब एक चीज समझना लाइसेंस को जब आप सेल करते हो तो उस केस में क्या होगा तो सेल करने के

ली कम्युनिकेशन लाइसेंस या स्पेक्ट्रम है उस पे ये स्पेसिफिक डिडक्शन का मेथड दे रखा है अमोर्टाइजेशन का तो क्या आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा आंसर इज नो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा जब आपको स्पेसिफिक तरीके से अमोर्टाइजेशन दे रखा है तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा नेक्स्ट सेक्शन इज 35 CCC थर्टी फाइव सीसी एंड थर्टी फाइव सीसी डी सी 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 इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट सीसी डी इज रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करते हो आपको डिडक्शन मिलेगा वन फिफ्टी परसेंट ऑन ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप खर्चा करते हो तो थर्टी फाइव सीसी डी में आपको डिडक्शन मिलेगा वन फिफ्टी परसेंट ऑन ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वन फिफ्टी परसेंट डिडक्शन मिलेगा लेकिन एक चीज समझना यहाँ थर्टी फाइव सीसी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है वो ऑल एस एस सी के लिए है लेकिन थर्टी फाइव डी जो है वो सीसी डी जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ आपका किसके कंपनीज के लिए है तो देखो मैं दोनों दो सेक्शन में बोलू थर्टी फाइव सीसी और सीसीडी पहला एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दूसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोनों में वन फिफ्टी परसेंट डिडक्शन ऑन ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के दोनों में एक्सेप्शन है लैंड एंड बिल्डिंग ये ध्यान रखना अब एक और चीज़ समझना बेटा दोनों में वन फिफ्टी परसेंट है वो वन फिफ्टी परसेंट का आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा इन फ्यूचर अगले साल से यह हंड्रेड परसेंट हो जाएगा बट अभी तक आपके लिए वन फिफ्टी परसेंट डिडक्शन है एक और चीज ध्यान रखना पहली वाली जो सेक्शन है वो ऑल एस एससी के लिए दूसरी वाली सेक्शन है वो सिर्फ कंपनीज के लिए है नेक्स्ट सेक्शन इज थर्टी फाइव डी इज अ प्रिमरी एक्सपेंसिस सर एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं जब आप बिजनेस जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई मार्केट सर्वे करवाया इंजीनियरिंग सर्विस एमओ ए का ड्राफ्टिंग का प्रिंटिंग का खर्चा लीगल चार्जेस है एक्सपेंसि रिलेटेड टू द शेयर एंड डिवेंचर इश्यूज एक्सपेंडिचर है या और भी कोई खर्चा है वो नोटिफाइड करती है सीबीडी टी वे में आएगा एक और चीज समझना प्रीमरी एक्सपेंसिस का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब वो खर्चा आपने

और जो भी प्रिलिमरी एक्सपेंसिस का डिडक्शन एक साथ में मिलेगाक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा पांच इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन अगर इंडियन कंपनी है तो यहां पर फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉय भी ले सकते हो अगर इंडियन कंपनी है तो यहां पे 5% परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हो तो 5% परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड तो भाई सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो ज्यादा रहेगा उसका अपन 5% और एक्सपेंसिस विच एवर इज लोअर आएगा वो अपन लेंगे और वो भी फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ है वो अलाउ हो जाएगा अब क्वेश्चन ये आता है सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने नया बिजनेस चालू किया है या आपके बिजनेस का जो एक्सटेंशन किया है, नया यूनिट सेटअप किया उसके फिक्स असेट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है फिक्स असेट में जितना पैसा लगा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में ध्यान रखना जो भी तुम्हारा शेयर कैपिटल है प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोन है वो ही तुम्हारे यहां कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा एक चीज ध्यान रखना रिजर्वेंट सरप्लस या सिक्योरिटी प्रीमियम है वो तुम्हारे कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा बर्जर पेंट्स का केस लो भी है और उसमें बोला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आता है अगर मान लो यहां पर जब आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेते हो तो पहले साल आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी उसके बाद सेक्शन थर्टी फाइव डी डी इज रिलेटेड टू तो अमल गमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस अमल कमिशन डीमर्जर एक्सपेंसेस करते हो तो उसका फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है अब एक और चीज समझना है डिडक्शन सिर्फ उसी को मिलता है जो खर्चा करता है यह डिडक्शन सिर्फ उसी को मिलता है जो खर्चा करता है जैसे अमल गमेटिंग कंपनी ने किया तो अमल गमेटिंग कंपनी को अमल गमेटेड कंपनी ने किया तो अमल गमेटेड कंपनी को डीमर्ज कंपनी ने किया तो डीमर्ज कंपनी को रिजल्टिंग कंपनी ने किया तो रिजल्टिंग कंपनी को अब एक चीज

भी बोला हुआ है सक्सेशन मीन कंपनी से मतलब जो छोटी कंपनी से क्या या एलएलपी बन जाती है या प्रोपराइटर पार्टनरशिप से कंपनी बन जाती है तो उस केस में जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है उसका नए परसेंट को डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं दैट इ थर्टी फाइव एडी स्पेसिफाइड बिजनेस अब एक बात समझना ये स्पेसिफाइड बिजनेस ये सेक्शन ये बोलती है कि टोटल फोर्टीन बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा देखो रेवेन्यू पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन पहले से मिलता है लेकिन यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा सर यह कौन कौन से फोर्टीन बिजनेस है सबसे पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी अगर आपका कोल्ड चेन फैसिलिटी है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर फिश प्रोडक्ट मीट प्रोडक्ट एक्टसेक्ट्रा एक्सेट्रा के लिए तो वहां पर आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्श मिलेगा दूसरा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तीसरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन या फिर होटल है वो आपका टू स्टार और अबो है हॉस्पिटल हंड्रेड बेड्स और प, और मोर बेड्स वाला है प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर बी द कस्टम एक्ट या फिर फॉर सुगर स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और सेमी कंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टोटल आपके फोर्टीन बिजनेस ऐसे है जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हंड्रेड परसेंट आपको डिडक्शन मिल जाएगा अब एक चीज समझ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा आंसर इज़ यस लेकिन एक चीज समझना क्वेश्चन ही आता है क्या ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस तीन को छोड़ के जो भी तुम्हारा लैंड है गुडविल है एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा लैंड पे जो खर्चा किया गुडविल पे जो खर्चा किया एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे जो खर्चा किया उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा एक और चीज समझना बिजनेस कमेंट्स करने से पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किया उस पर भी डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस तो बिजनेस कमेंट्स करने से पहले के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर भी आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस अब एक और चीज समझना यहां पे कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी पहली कंडीशन ये जो भी बिजनेस है ये ये न्यू होने चाहिए चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन है वो पुराने बिजनेस का अगर रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिट अप ऐसा नहीं होना चाहिए नया बिजनेस होना चाहिए एक और चीज समझना यहां पे जो भी प्लांटेड मशीनरी यूज होगी वो प्लांटेड मशीनरी आपकी न्यू होनी चाहिए लेकिन एक चीज ध्यान रखना टोटल प्लांटेड मशीनरी का ट्वेंटी परसेंट तक प्लांटेड मशीनरी चल सकता है एक और चीज समझना इंडिया के बाहर से जो प्लांटेड मशीनरी आप इंपोर्ट करोगे जिस पे इंडिया में कभी डेप्रिशिए

स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है ना वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेटअप हो सकता है किसी भी दूसरे बिजनेस से सेटअप नहीं होगा और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस जो भी बच जाता है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अनलिमिटेड इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है सौ साल तक भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अनलिमिटेड तक आप स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अब एक और चीज समझना स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई लॉस है तो उसको स्पेसिफाइड बिजनेस से, से कर सकते हो एक चीज ध्यान रखना जो दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस में थर्टी फाइव एडी का डिडक्शन मिलता है यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे आई कैन टेक एक्साम्पल मान लो मेरे पास दो होटल है एक होटल बीस साल पहले स्टार्ट किया था जो थर्टी फाइव एडी में नहीं आता एक होटल आज स्टार्ट किया दोनों टू स्टार और है अब एक चीज समझना जो अभी स्टार्ट किया वो थर्टी फाइव एडी में डिडक्शन मिलता है उसका जो लॉस है वो पुराने वाली जो होटल है क्या उसके प्रॉफिट सेट ऑफ से कर सकते हैं आंसर इज यस कर सकते हैं क्योंकि पुराना वाला जो होटल है वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस तो है ही है उस पर थर्टी फाइव एडी का डिडक्शन नहीं मिलता लेकिन वो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में तो आएगा उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना जब आप 35 फाइव एडी में डिडक्शन लेते हो तो आप टेन डबल ए या टी आई बी एटीआईसी एटीआई जो भी इनकम बेस्ड डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते सिंपल सी बात है आप डबल डिडक्शन नहीं ले सकते एक और चीज समझना ये स्पेसिफाइड बिजनेस जो भी है ये सिर्फ असएससी खुद ही बिजनेस कंडक्ट करेगा लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है होटल के केस में आपने ऑपरेशन किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं होटल के केस में आपने ऑपरेशन किसी और को ट्रांसफर कर दिए तो भी चलेगा अब एक और चीज समझना आप लोग सर यहां पे एक चीज समझना जो असेट आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर करते हो उस असेट को आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज नहीं कर सकते विथ इन एट ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस ईयर में आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वाइर किया उस ईयर के उस ईयर से एट ईयर तक आप क्या कर सकते हो दूसरे किसी भी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज नहीं कर सकते जैसे मान लो मेरा एक होटल भी है मेरा कोचिंग क्लास भी है तो होटल जो है वो होटल में मैंने कोई ए सी खरीदा तो वो होटल में ही मुझे यूज करना पड़ेगा जिस ईयर में एक्वायर किया उस ईयर से एट ईयर तक आपको स्पेसीफाइड बिजनेस में ही उसको यूज करना पड़ेगा आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उसको नहीं ट्रांसफर कर सकते अगर आपने नॉन स्पेसीफाइड बिजनेस में यूज करना चाहिए चालू तो उस केस में जितना डिडक्शन आपने पहले लिया था माइनस डेप्रीशियशन अलाउबल इफ सेक्शन थर्टी एडी इज नॉट देयर अगर थर्टी एडी नहीं होता तो डेप्रीशियशन कितना अलाउ होता वो लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो तुम्हारा पीजीपीपी का इनकम बन जाएगा और एक चीज समझना अब आपके कोचिंग क्लास के ब्लॉक में एसेट की वैल्यू को एड करेंगे तो कोचिंग क्लास में अट की वैल्यू को कौन सी वैल्यू से ऐड करेंगे पता है जितने पे वो जितनेट खरीदा था माइनस इफ डेप्रिशिएट वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोचिंग क्लास फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम मतलब जब आपने असेट खरीदा था तब से अगर वो कोचिंग क्लास के लिए ही यूज होता तो कितना डेप्रीशिएशन अलाउ हो जाता वो लेस कर दो जो भी बचेगा वो कोचिंग क्लास के लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा तो देखो बेटा मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना मैंने बोला अगर कोई भी असेट है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर की जाती है तो फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन एट इयर्स तक आप उसको किसी भी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज नहीं कर सकते अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में एट ईयर्स में ट्रांसफर किया तो स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या होगा जो उसका

थर्टी सिक्स ये बोलती है कि कुछ आपको खर्चों के डिडक्शन मिलेंगे सबसे पहले आपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया क्या प्रीमियम अलाउ होगा आंसर यस। तो अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड है उसका इंश्योरेंस करवाया तो आपको प्रीमियम अलाउ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक और चीज समझना आपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया आपके एम्प्लॉज है उनके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ होगा लेकिन वहां पर के दूसरे मोड से आपको है, वो किया, तो आपको मिलेगा yes. तो आप अगर अपने एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन पे करते हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन एक चीज समझना यहाँ पे बोनस क्या बोनस एक्ट से ज्यादा पे किया तो भी डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना एक सेक्शन फोर्टी थ्री बी टांग

अब एक चीज समझना लोन अगर आपने जो लिया है वो शेड्यूल बैंक से लिया है या फिर पीएफआई से लिया स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिया है या एनबीएफसी से लिया है तो इंटरेस्ट अलाउ होता है लेकिन वहां पे फोर्टी थ्री भी टांगती है और फोर्टी थ्री भी ये बोलती है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की डूडेट से पहले पहले इंटरेस्ट पे किया तो ही अलाउ होगा अदरवाइज इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा लेकिन आपने किसी अदर पर्सन से लोन लिया है तो उसके इसमें इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा ऑन द ड्यू बेसिस ऑल्सो मतलब आप पे नहीं किया तो भी आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा एक और चीज समझना असट को एक्वायर करने के लिए अगर आपने लोन लिया

अगर कोई एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यू करता है किस में या तो एसपीएफ में स्टेचुटरी फंड या आरपीएफ में रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड ग्रेचुअटी फंडर एनोवेशन फंड या एनी अदर फंड एज पर द लॉ का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए कहां क्या एसपीएफ आर एफ लॉ में बोला हुआ उसके हिसाब से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसके इसमें एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा एम्प्लॉयर को खर्चा अलाउ है लेकिन यहां पे फोर्टी थ्री बी टांगाती है और वो ये बोलती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले, पहले पहले पे किया तो ये अलाउ होगा अदरवाइज

सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम या जिसको अपन न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं उसमें पैसा डाला तो भी एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा और एम्प्लॉयर को डिडक्शन कितना मिलेगा जितना उसने कंट्रीब्यूट किया और टेन परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लोअर लेकिन सैलरी में आपको क्या क्या लेना है बेसिक सैलरी एंड डीए लेना है बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस है डीए कौन सा इन टर्म्स वाला जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम आता है वही वाला डीए आपको लेना है तो देखो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में पैसा डाला एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा कितना सैलरी का टेन और एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यून एवर इज लोअर अब एक और चीज समझ एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर अपने पास रखता है कौन सा लाइक पी एफ का पैसा ई एस आई का पैसा तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का जो पैसा अपने पास में रखता है उसको वो जमा करवाना पड़ेगा उस फंड में अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं ड्यू डेट ऑफ दैट फंड तक एम्प्लॉयर को जमा करवाना पड़ेगा, otherwise वो employer की क्या बन जाएगी? Income बन जाएगी जाएगी। तो ने जो भी पैसा का काट के अपने जेब में डाल के रखा है किसका वाला या तो ESI वाला, PF वाला नहीं टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी लेकिन उसके ए वगैरह के कुछ कॉन्ट्राडिक्टी जजमेंट है हाई के और वो जजमेंट ये बोलता है फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करवाया तो भी चलेगा लेकिन लेकिन आपको ध्यान रखना ड्यू डेट ऑफ दैट फंड तक जमा करवाया तो ही चलेगा अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी एनिमल्स जो भी आपके बिजनेस में यूज होते हैं क्या उसका डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस एनिमल्स अगर आपके बिजनेस में यूज होते हैं और स्टॉक इन ट्रेड नहीं है जैसे तबेले का बिजनेस है या सर्कस वगैरह हो जो होता है, business, तो अगर वो मर जाता है जिस ईयर में वो मर जाता है, या यूजलेस हो जाता है, उस ईयर में आप डिडक्शन वैल्यू जो कॉस्ट ऑफ एनिमल है माइनस वैल्यू जो भी डिफरेंस का आप है, वो ले सकते हो अब एक और चीज समझना क्वेश्चन का डिडक्शन आपको मिलेगा देखो दो डेट्स रिलेटेड टू सेल से आपको डिडक्शन मिल जाएगा डेट्स रिलेटेड टू लोन है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपका मनी लेंडिंग का ही बिजनेस है तो डेट्स

कभी ना कभी आपकी इनकम में कंसिडर हुआ है क्योंकि अलाउ नहीं होता बट सेल्स से रिलेटेड आपको अलाउ हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेट्स है वो आपको अलाउ नहीं होता है अब एक और चीज समझना बहुत बार ऐसा होता है कि आईसीडीएस के हिसाब से आपने इनकम बना दी आईसीडीएस के हिसाब से आपने इनकम बना दी बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम बनाया ही नहीं अब ICDS के हिसाब से इनकम बना दी और लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपने डेट को बनाया ही नहीं, जो है वो आया ही नहीं तो डेट्स ले सकते हो या नहीं आंसर इज यस यहां पर एक्सेप्शन एक डाला है कि अगर मान लो कोई भी इनकम है वो आईसीडीएस के हिसाब से बना देते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक इनकम रिकॉर्ड नहीं की तो भैया आप डेट्स क्लेम कर सकते हो इवन विदाउट राइटिंग ऑफ अरे राइटिंग ऑफ करेंगे कैसे जब बुक्स ऑफ अकाउंट में वो इनकम ही नहीं लिखा तो राइट ऑफ कैसे करेंगे तो ऐसा होता है बहुत बार आईसीडीएस के, के हिसाब से क्या होता है अर्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द इनकम हो जाता है बट बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट के हिसाब से नहीं होता तो वहां पर राइट ऑफ नहीं करोगे तो भी आप बेडेट्स ले सकते हो अब एक और चीज समझना जिस ईयर में आपका बेडेट्स का रिकवरी होता है उस ईयर में वो टैक्सीबल होता है इवन उस ईयर में आपका वो बिजनेस चल रहा है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे मान लो मैं पहले टेक्सटाइल का बिजनेस करता था अब मैं पढ़ाता हूं और आज मान लो मुझे बेडेट्स का रिकवरी होता है तो दैट विल भी टैक्सेबल अगर वो बेडेट्स पहले अलाउ हुआ था और रिकवरी जिस ईयर में होगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना यहाँ पे आपका बेडेड्स रिकवरी तभी टैक्सेबल होगा जब बेडेट्स क्लेम किया था और रिकवर कर रहा है वो सेम पर्सन होना चाहिए

8.5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर साथ में 10% ऑफ द एग्रीगेट एवरेज एडवांस जो रूरल ब्रांचेस ने एग्रीगेट एडवांस दिया है, उसका 10% ये आपके इंडियन बैंक को अलाउ होता है लेकिन जो भी bank या बैंकआई स्टेट फाइनेंशियल या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी है उनको भी प्रोविजन फॉर बेडडेट्स अलाउ होता है कितना 5% ऑफ द ग्रॉस टोटल अब एक और चीज समझना जब प्रोविजन पीएडल के डेबिट में जा रहा है तो एक्अल बेडडेट है ना वो प्रोविजन अकाउंट में जाएगा एक्चुअल बेडडेट है वो प्रोविजन अकाउंट में जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर मान लो तुम्हारा प्रोविजन शॉर्ट पड़ जाता है

और तीसरा 200% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व मींस शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व का 200% और माइनस ओपनिंग बैलेंस जो भी रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस को आप लेस कर दोगे जो बचेगा व्हिच एवर इज लोअर है तीनों में से उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा उसके बाद परचेज ऑफ सुगर केन के केस में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग है

पर्पज का खर्चा नहीं माना जाता

तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना

मैंने क्या बोला आईपीओ एफ और राइट right इशू का खर्चा आईपीओ एफ एंड राइट इशू का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा लेकिन बायबैक और बोनस एंड डिबेंचर और लोन से रिलेटेड खर्चा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हो जाएगा बोलोगे कैसे किया देखो जो चीज करने से अगर आपकी शेयर कैपिटल इंपैक्ट होती है आपका कैपिटल बेस इंपैक्ट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर आईपीओ एफ राइट इशू निकालने से आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाता है तो उसके कैपिटल होगा लेकिन एक चीज समझना जब भी आप बायबैक करते हो उतना का उतना अमाउंट आप सीआरआर में ट्रांसफर करते हो बोनस के में आप रिजर्व को कैपिटलाइज करते हो एंड तुम्हारा जो भी लोन डिबेंचर है वो कैपिटल बेस में आता नहीं है तो उस केस में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे अब एक और चीज समझना सर अलाउ होते या नहीं तो टैक्सेस में मैं बता दूं डायरेक्ट टैक्स अलाउ नहीं होते बिकॉज दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर बट इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का सर इंटरेस्ट अलाउ होता है कि देखो डायरेक्ट टैक्स जब अलाउ नहीं है तो डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं डायरेक्ट टैक्स की पेनल्टी भी अलाउ नहीं है लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा लेकिन पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होती है इनडायरेक्ट टैक्स की कोई पेनल्टी है वो भी आपको अलाउ नहीं होगी अब एक बात समझना पेनल्टी दो तरह की होती है एक तो ब्रीच ऑफ लॉ और एक होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी अलाउ नहीं है लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए उसके बाद में एक चीज समझना आपने देखा होगा डॉक्टर को जो रेफरल कमीशन मिलता है फार्मास्यूटिकल तो हो जाएगा आंसर इनगल एक्सपेंडिस है ये आपको अलाउ नहीं होता है

समझने की कोशिश करना ये ये बोलती है है कुछ खर्चे ऐसे जो specifically disallowed हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले section 40 का clause number A और sub clause I. अब एक चीज समझना 40 clause A, sub clause I, वो ये बोलता है किसी को आप पेमेंट करते हो किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को कुछ पेमेंट करते हो क्रेडिट करते हो तो और अगर आपने उसका इस साल में टीडीएस नहीं काटा अगर आपने उसका इस साल में टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो उस केस उसके हंड्रेड परसेंट खर्चा इस साल आपका डिसअलाउड हो जाएगा इस साल आपका हंड्रेड परसेंट खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन इफ यू आर मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग द नॉन रेजिडेंट और फॉरन कंपनी एंड इफ यू नॉट डिडक्टेड द डिडक्टेडीस इन करंट प्रीवियस ईयर और डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर बट नॉट डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग हंड्रेड परसेंट खर्चा है वो आपका इस साल डिसअलाउड हो जाएगा अब एक चीज समझना अगर

थर्टी परसेंट खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा लेकिन अगर आपने मान लो अगले साल साल काटा काटा या फिर इस बट के बाद जमा करवाया तो जिस ईयर में आप करवाओगे उस में वो वो जितना हुआ था वो वापस से अलाउड हो जाएगा दोनों सेक्शन में यही फर्क है कि नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी का अगर टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया तो फाइलिंग हंड्रेड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा और रेजिडेंट केस में आपका थर्टी एक्सपेंडिचर है वही डिसअलाउड होगा अब यहाँ पे अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो आ गया अब एक चीज समझना आपने किसी नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को को पेमेंट पेमेंट किया किया या, किया। आपने या किया और आपने टीडीएस नहीं काटा। आपने टीडीएस नहीं काटा लेकिन आगे वाले ने उस अमाउंट को अपनी इनकम में कंसिडर कर दिया उस पर जो टैक्स आता था गवर्नमेंट को भर दिया और उसके साथ में उसने लाइक like, अपना रिटर्न फाइल कर दिया और आप अगर सीए का एक सर्टिफिकेट लाके दे सकते हो तो उस केस में ये मान लिया जाएगा आप असिस्ट डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे और ये मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा है एंड गवर्नमेंट को जमा करवाया है देखो मैंने क्या बोला अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी या रेजिडेंट पर्सन को कुछ पेमेंट करते हो या अमाउंट क्रेडिट करते हो बट आपने टीडीएस नहीं काटा

और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से कोई भी रॉयल्टी लेती है फीस लेती है प्रिविलेज फीस लेती है और वो एक्सक्लूसिवली किससे लेती है पता एक्सक्लूसिवली अपनी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से लेती है तो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को वो खर्चा अलाउ नहीं होगा एक और चीज समझना इंडिया के बाहर किसी पर्सन को आप सैलरी पे करते हो या इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे करते हो तो उसका टीडीएस काटना और काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस में इस अगले महीने की सात तारीख तक टीडीएस जमा करवाना है अगर आपने एक दिन भी डिले किया तो आपका हंड्रेड परसेंट सैलरी डिसअलाउड हो जाएगा यह बहुत ही रिजट सेक्शन है यह यह सेक्शन बोलती है कि अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर किसी भी पर्सन को सैलरी पे किया या इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे किया और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा या काट के आपने जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस जो टीडीएस का ड्यू डेट है तब तक जमा नहीं करवाया तो उस केस में आपका हंड्रेड परसेंट खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा आपने एक दिन भी डिले किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस अगर आपने एक दिन भी डिले किया तो उस केस में आपको खर्चा जिंदगी में कभी भी अलाउ नहीं होगा तो ध्यान रखना आप अपने ऑफिस में अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं और टीडीएस टाइम पे काटते हैं और गवर्नमेंट को टाइम पे जमा करवाते हैं अगले महीने की सात तारीख तक अगर आपने एक दिन भी डिले किया तो वो खर्चा कभी भी आपको अलाउ नहीं होगा अब एक और चीज समझना अगर एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनिट्री पे टैक्स पे किया

नेक्स्ट सेक्शन फोर्टी सबसेक्शन थ्री ये बोलती है कि अगर आप किसी को सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट करते हो तो आप टेन थाउजेंड से ज्यादा का पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते आप अगर टेन थाउजेंड से ज्यादा का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट करते हो तो अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब उसी से पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने कैश में किया तो उस केस में वो खर्चा आपका पूरा डिसअलाउड हो जाएगा ये जो चार मोड है उसी से करना पड़ेगा क्या आप क्रॉस चेक से कर सकते हो आंसर इज नो आप क्रॉस चेक से करोगे तो भी डिसअलाउड हो जाएगा अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम उसी से आपको करना है अब एक और चीज समझना आप अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो लिमिटेंड से दी थी चार साल पहले तो डिडक्शन उसका ले लिया था अभी तक पेमेंट नहीं किया इस साल में आप पेमेंट कर रहे हो तो इस साल में क्या होगा वापस से आपकी इनकम बन जाएगी ऐसा सेक्शन फोर्टी ए सेक्शन थ्री ए बोलती है मीस अक्रूवल बेसिस पे पहले डिडक्शन ले लिया और पेमेंट आप सब सिक्वेंट ईयर में और पेमेंट अगर आप कैश में करते हो दस हजार तो पे को पेमेंट करते हो या बैंक को पेमेंट करते हो जी आईसी को पेमेंट करते हो आरबीआई को पेमेंट करते, करते हो तो उस में आप का पेमेंट कर सकते हो चलेगा या फिर आप बुक एंट्री करते हो बुक एंट्री का मतलब क्या होता है मैं आपके पांच लाख मांगता हूं आप मेरे तीन लाख मांगते हो और हम आपस में सेट सेटअप कर लेते हैं तीन लाख को तो क्या ये कैश में पेमेंट माना जाएगा आंसर इज नो no. ये चलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है या फिर मैं पेमेंट करता हूं किसी भी प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिश प्रोडक्ट मीट प्रोडक्ट या एनिमल्स वगैरह खरीदने के लिए आप कैश में पेमेंट करते हो तो चलेगा लेकिन आप प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहे हो इसका मतलब यह हुआ कि मैं किसी किसान से गेहूं खरीदता हूं दो लाख में कैश में पेमेंट करूंगा चलेगा लेकिन मैं बिग बाजार से गेहूं खरीदता हूं क्या कैश में पेमेंट चलेगा आंसर इज नो नहीं चलेगा अब एक और चीज समझना पेमेंट आप उस दिन करते हो जिस दिन बैंक बंद है और पेमेंट करना जरूरी है पेमेंट

और वो एजेंट को पेमेंट करना कैश में जरूरी है एजेंट को कैश में पेमेंट करना जरूरी है तो उस केस में आप कैश में पेमेंट एजेंट को कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जैसे मान लो मेरा एक एजेंट है वो एजेंट गेहूं खरीदने के लिए जा रहा है तो गेहूं खरीदने के लिए आगे उसको कैश में पेमेंट करना है तो मैंने एजेंट को कैश में पेमेंट किया तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना यहां पे जब आप जो मनी चेंजर रहते हैं जो लोग करेंसी चेंज करते हैं वो कैश में पेमेंट करेंगे तो चलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट सेक्शन फोर्टी बोलती है कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी अलाउ होगा कि मैं बताऊं प्रोविजन कोई भी अलाउ नहीं होगा तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी अलाउ नहीं होगा लेकिन एक्चुअल ग्रेचुअटी जो आपने पे किया वो अलाउ हो जाएगा या फिर अप्रूव ग्रेचुअटी फंड में आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो भी अलाउ हो जाएगा और एक चीज समझना अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है जैसे इस साल मेरे पांच एंप्लॉय रिटायर हो गए और उनका ग्रेचुअटी तो ड्यू हो गया तो उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है जो प्रोविजन ऑलरेडी एम्प्लॉय रिटायर हुए उससे रिलेटेड प्रोविजन जो प्रोविजन ऑलरेडी ड्यू हो चुका है वो आपको अलाउ हो जाएगा लेकिन फ्यूचर का कोई भी प्रोविजन है वो आपको अलाउ नहीं होता अब एक बात समझना नेक्स्ट सेक्शन 43 बी 43 बी ये बोलती है कि भैया कुछ पेमेंट ऐसे है कुछ यहां पे सेवन एक्सपेंडिचर ऐसे है जो आपने एक्चुअल पेमेंट किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो ही अलाउ है अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होगा देर आर सिक्स सेवन एक्सपेंडिचर दैट इज अलाउड ऑनली इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अदरवाइज वो इस साल में अलाउ नहीं होगा सर कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं सबसे पहला टैक्स ड्यूटी एंड सेस टैक्स ड्यूटी एंड सेस का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस से है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका आपने ड्यू डेट तक पेमेंट किया तो ही आपको अलाउ होगा दूसरा एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एसपीएफ आरपीएफ में एजीएफ में एएसएफ में या फिर नेशनल पेंशन जो स्कीम होती है उसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वहां पे तीसरा अगर मान लो बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय चौथा अगर आपने लोन लिया है

आप एम्प्लॉय को जो लीव सैलरी देते हो तो लीव सैलरी का भी डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अदरवाइज आपको लीव सैलरी अलाउ नहीं होगी और रेलवे की असेट अगर आपने कोई यूज की तो रेलवे को जो पेमेंट है वो आपने ड्यूडेट तक कर दिया तो अलाउ होगा अदरवाइज नहीं होगा तो देखो मैंने आपको क्या बोला यहां पर टोटल आपके सिक्स पेमेंट है और वो सिक्स पेमेंट आपको अलाउ तभी होंगे खर्चा अलाउ तब होगा जब आपने ड्यू डेट तक आपने पे किया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने एक्चुअल पेमेंट किया तो ही खर्चा अलाउ है अदरवाइज अलाउ नहीं होगा सर एक बात बताओ ये सिक्स एक्सपेंडिचर कौन कौन सा सबसे पहला क्या था टैक्सेस ड्यूटी सेस वाला दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एसपीएफ आरपीएफ एजीएफ या फिर एनपीएस वाला या कोई भी लॉ में रिक्वायर्ड है वो वाले फंड में अगर एम्प्लॉयर ने डाला तो बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक पी एफ आई एस एफ सी एस आई आईसी और एनबीएफसी एनबीएफसी में दोनों तरह की एनबीएफसी जो नॉन लाइक डिपोजिट टेकिंग एन NBFC है डिपॉजिट टेकिंग NBFC है दोनों तरह की NBFC है अब एक और चीज समझना और उसके बाद मैं लीव सैलरी और लास्ट में तुम्हारा रेलवे का कोई असेट यूज करते हो और उसके लिए पेमेंट है तो अब एक और चीज समझना यहां पे सर अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट को आपने लोन में रीकन्वर्ट करवा दिया इंटरेस्ट को लोन में रीकन्वर्ट करवा दिया तो क्या ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा आंसर इज नो ये पेमेंट नहीं माना जाएगा लेकिन जो रीकन्वर्ट करवाया लोन में उसका जो प्रिंसिपल जिस ईयर में आप पे करोगे मीन जो लोन बना वो लोन की इंस्टॉलमेंट जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में उसका डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना एनबीएफसी को इसी साल एड किया है अब हो सकता है एनबीएफसी का आपका तीन साल पुराना इंटरेस्ट था तो तीन साल पहले आपने डिडक्शन ले लिया था अब इस साल आपने क्या किया वो एनबीएफसी को इंटरेस्ट पे किया तो इस साल वापस डिडक्शन मिलेगा आंसर इज नो no. जब ऑलरेडी आप साल पहले ड्यू बेसिस पे डिडक्शन क्योंकि एनबीएफसी में पहले तो ड्यू बेसिस पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता था क्योंकि एनबीएफसी लिखा हुआ नहीं था लेकिन एनबीएफसी इस साल से एड किया है तो ड्यू बेसिस पे पहले अगर आपने डिडक्शन ले लिया है तो अब आपको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस पानी पी लो आप लोग मैं भी पी लेता हूं अब एक बात समझना नेक्स्ट सेक्शन थ्री सीबी फॉर्टी थ्री सी ये बोलती है कि अगर कोई भी तुम्हारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोचिंग क्लास वगैरह दैट इज कॉल्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या फिर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी तुम्हारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे पीओसीएम बेसिस पे दैट इज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करना है तो इस साल में जितना कंप्लीशन हुआ उसके बेसिस पे आपको रेवेन्यू को इस साल रिकॉग्नाइज करना है लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है ध्यान रखना सबसे पहला अगर मान लो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका नाइनटी डेज से ज्यादा के लिए नहीं है 90 डेज से ज्यादा के लिए जैसे मान लो हमारा क्रैश कोर्स होता है फास्ट ट्रैक बैच होता है वो 30 डेज डेज में कंप्लीट हो जाता है 90 से ज्यादा के लिए नहीं है तो उस केस में हम जो है वो पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन मेथड जिस ईयर में वो कंप्लीट होगा उस ईयर में उसका पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज इन्वॉल्व इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मीस स्पेसिफिक पीरियड में आपके इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है तो स्ट्रेट लाइन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जैसे आई कैन टेक एग्जांपल हम सीए फाइनल का क्लास लेते हैं मुंबई में इन द ब्रांड नेम ऑफ द एडुकेट्री एडुकेट्री में फेस टू फेस बैच होता है जो दो साल तक चलता है सीए फाइनल को हम दो साल में कंप्लीट करवाते हैं एक बच्चे से मान लो हमने टू लैख का फीस लिया अब टू लेख का फीस लिया और यहां पे क्या हुआ कि अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ तो हम क्या करेंगे दो साल तक बैच चलेगा तो टू लैख का फीस तो क्या करेंगे? वन है वो उस और वन अगले साल में रिकॉग्नाइज तो करेंगे बना रहेगा ऐसा नहीं करोगे आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से लेस कर दोगे नहीं रिटेंशन मनी भले आपको आज मिलता नहीं है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट रहेगा अब एक और चीज समझना आपको टेंपररी नेचर की कोई इनकम होती है जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड

एनपीए बना देते हैं जो एनपीए बना देते हैं बेड डेट्स बना देते हैं आपको पता है एनपीए बना देते हैं नॉन परफॉर्मिंग तो उस पे सर इंटरेस्ट को कब रिकॉग्नाइज करना है तो सेक्शन फोर्टी थ्री डी है वो किस पे लगती है अगर कोई भी शेड्यूल बैंक है पीएफआई है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन या एनबीएफसी एनबीएफसी को यहां पर एड किया इस साल या फिर ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी है जो कि हाउसिंग लोन देती है और उन्होंने क्या किया एनपीए बना दिया तो एनपीए पे इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज कब करोगे जिस ईयर में आपको वो इंटरेस्ट मिल जाता है या जिस ईयर में आप पीएनडल के क्रेडिट में डालते हो एवर इज ईयर तो जिस ईयर में आपको वो इंटरेस्ट मिल जाता है एनपीए पे या फिर आपने पीएनडल के क्रेडिट में डाला विच एवर इज अर्लीयर वाला ईयर है उस ईयर में उसको आप इनकम बना देते हो अब एक और चीज समझना सेक्शन 43 सी ये बोलती है कि अगर कोई असेट है वो असेट पहले कैपिटल असेट थी और उसको ट्रांसफर किया गया इन अमलगमेशन या फिर एच का पार्टीशन या फिर गिफ्ट और वो आई एज अ स्टॉक इन ट्रेड

फोर्टी थ्री ए फोर्टी थ्री बोलती है कि अगर आपने इंडिया के बाहर से असेट एक्वायर की इंडिया के बाहर से असेट एक्वायर की या तो बायर या सप्लायर क्रेडिट पे आपने क्रेडिट पे उधार इंडिया के बाहर से एक्वायर की या बाहर से असेट एक्वायर की फॉरेन करेंसी लोन लेके तो असेट को आज आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे वो कौन सी वैल्यू पे करोगे जो आज की जो भी वैल्यू रहेगी उससे आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे जिस टाइम पे उस लोन का रीपेमेंट करते हो या फिर सप्लायर को जब पेमेंट करते हो और पेमेंट के टाइम पे अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आता है

फोर्टी वन का सबसे बोलता है कि अगर मान लो कोई भी खर्चे का आपने पहले डिडक्शन ले लिया है किसी खर्चे का आपने ले लिया है या कोई भी लाइबिलिटी है जिसका आप डिडक्शन ले चुके हो और अब क्या होता है वो खर्चा सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाता है या फिर आपको रेमिशन हो जाता है तो वो तुम्हारे लिए पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या किया कि मैंने मान लो यहां पे मैंने जीएसटी का पेमेंट किया था मैंने अभी तक पे नहीं किया था हो सकता है मेरा सीएम अरविंद केजरीवाल जैसा आया और उसने लाइट के बिल माफ कर दिए तो हमको फायदा हो गया सीज टू बी एग्जिस्ट हो गया रेमिशन हो गया तो उस केस में मैं बताऊं ये मेरी वापस से इनकम बन जाएगी तो आप एक चीज ध्यान रखना किसी भी खर्चे का डिडक्शन ले लेते हो और वो लाइबिलिटी या तो क्या सीज टू बी हो जाती है उसका रेमिशन हो जाता है देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड एज पर सेक्शन फोर्टी वन वन एक और चीज समझना वर्किंग कैपिटल लोन का वेअअप होता है तो वो भी फोर्टी वन वन में आ जाएगा तो वर्किंग कैपिटल लोन का वेवअप हुआ दैट विल बी टैक्सेबल अंडर विलंडर दोर्टी वन वन फोर्टी वन थ्री बोलता है कि साइंटिफिक रिसर्च की कोई असेट है जैसे रेनबेक्सी की एक लेबोरेटरी थी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट हो गया उस असेट को क्या करे दो चीजें या तो बिजनेस में ला ले तो बिजनेस में ला लिया तो एज पर एक्सप्लेनेशन वन ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री वन के हिसाब से उसकी एक्चुअल कॉस्ट नील ली जाएगी और फिर जब उस असेट को बेचेंगे तो फिर वो ब्लॉक वाला कंसेप्ट लग जाएगा पार्ट ब्लॉक फुल ब्लॉक वैसा वाला लेकिन अगर मान लो लेबोरेटरी से डायरेक्टली सेल कर देते हो कोई असट है जो आपके साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी आप लेबोरेटरी से डायरेक्टली सेल कर देते हो तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस है एंड डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन एवर इज लोअर है वो PGPP का इनकम बनेगा और सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस अगर अगर कॉस्ट कॉस्ट से से ज्यादा ज्यादा है है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन भी होगा अब क्वेश्चन ये आता है कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दट पर्टिकुलर असेट उसके बाद फोर्टी टू बैलेंसिंग चार्ज फोर्टी वन है रिकवरी ऑफ द बेड ऑलरेडी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं फोर्टी डबल है आप एक बार घर पे देख लेना उसको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं इज रिलेटेड टू टैक्स ऑडिट ऑडिट टैक्स किसको करवानी पड़ती है बिजनेस के केस में अगर आपका कर एक करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशन के केस में ग्रॉस आपका 50 से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ती है और बाकी कुछ स्पेसिफिक केसेस वहां पर और है जिसमें आपको ऑडिट करवानी पड़ती है ऑडिट एक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा और कोई नहीं कर सकता और थर्टियथ सेप्टेम्बर तक आपको ऑडिट करवानी पड़ती है अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाई तो आपको टू सेवेंटी वन बी का पेनल्टी लग जाएगा पेनल्टी कितना लगेगा टर्न या ग्रॉस रिसिट का जीरो पॉइंट फाइव परसेंट

रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचूब एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म लगती है अगर आप बिजनेस करते हो प्रोफेशन नहीं अगर आप बिजनेस करते हो प्रोफेशन नहीं एंड आपका एजेंसी बिजनेस नहीं होना चाहिए कमीशन ब्रोकरेज नेचर का बिजनेस नहीं होना चाहिए फोर्टी फोर ए में कवर होता है वो बिजनेस नहीं होना चाहिए और आपके बिजनेस का टर्नवर प्रीवियस ईयर में अप टू टू करोड़ है तो आप ये सेक्शन ले सकते हो तो देखो ये सेक्शन कौन ले सकता है रेजिडेंट इंडिव्यूअल रेजिडेंट एचूए रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन एल आप बिजनेस कर रहे हो एजेंसी बिजनेस नहीं होना चाहिए कमीशन ब्रोकरेज नेचर का बिजनेस नहीं प्रोफेशन नहीं होना चाहिए फोर्टी फोर ए वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए और आपका टोटल टर्न पूरे साल का जो है वो अप टू, टू करोड़ हो तो आप ये सेक्शन ले सकते हो ये सेक्शन ये बोलती है कि आपको पीजीबीपी का इनकम कैसे निकाला जाएगा और पीजीबीपी इनकम इज योर, योर टर्न का सीधा एट टर्नओवर या ग्रॉस रेसिट है उसका 8 परसेंट है वो आपका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा लेकिन एक चीज समझना आपने टर्नओवर को रियलाइज कर दिया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक अगर आपने टर्नओवर को रियलाइज कर दिया बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लेनिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब ड्यूडेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अगर आपने उसको रियलाइज कर दिया तो यहां पर एट की जगह सिक्स आ जाएगा

अगर आप टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेंप्शन से कम प्रॉफिट बताते हो एंड आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेंप्शन से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी एंड आपको ऑडिट आप है, तो है वो ऑडिट भी करवानी पड़ेगी अब एक और चीज समझना ये एक बड़ी ही फालतू है फालतू सी क्या एक ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शन डालती है कि एक बार अगर आपने ये सेक्शन ले ली तो अगले पांच साल तक आपको ये सेक्शन लेनी पड़ेगी अगर आपने इस साल फोर्टी फोर एडी ले ली तो अगले पांच साल तक आपको फोर्टी फोर एडी लेनी पड़ेगी अगर अगले पांच साल में किसी भी साल में आपने फोर्टी फोर एडी अगर नहीं लिया वायलेट कर दिया ठीक है तो उस केस में जिस ईयर में फोर्टी फोर एडी नहीं लिया उसके अगले पांच साल तक आप फोर्टी फोर एडी नहीं ले पाओगे तो देखो मैंने क्या बोला अगर आपने फोर्टी फोर एडी लिया तो अगले पांच साल तक आपको फोर्टी फोर एडी लेना पड़ेगा अगर अगले पांच साल में आपने फोर्टी फोर एडी नहीं लिया तो जिस ईयर में नहीं लिया उसके अगले पांच

जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट मिलता है तो क्या वो लेस होगा क्या उस आठ परसेंट सिक्स परसेंट से आपका क्या इसमें से इस इस ब्लॉक चालू रखोगे हर साल का कैलकुलेशन का चालू करोगे आपको कोई भी अलाउ नहीं होगा एक और चीज समझना अगर आप फोर्टी फोर एडी लेते हो तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा एक इंस्टॉलमेंट में और वो इंस्टॉलमेंट आपकी 15 मार्च को आएगी और 15 मार्च को आपको 100% है वो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा अब एक चीज समझना अगर मान लो आपका टर्नओवर एक करोड़ से ज्यादा है बट फोर्टी फोर एडी ले रहे हो तो उस केस में आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आई कैन टेक एक्ल करोड़ एडी ले रहा हूं इनकम बता रहा हूं ठीक है तो मुझे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, 44 ADA. 44 ADA ये ये बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट प्रोफेशनल है अब एक चीज समझना रेजिडेंट प्रोफेशनल कौन होना चाहिए इस सेक्शन में कुछ लिखा हुआ नहीं है सिर्फ इसका लिखा हुआ है, कि ये पे है जो प्रोफेशन में एंगेज्ड है लेकिन जब ये बजट आया था जब ये सेक्शन लाई थी उस टाइम का जो मेमोरेंडम uh, एक्सप्लेनिंग था उसमें ये लिखा था कि प्रोफेशनल में इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म हो सकती है अदर देन एलएलपी ऐसा उधर लिखा हुआ था करके ठीक है तो देखो अगर प्रोफेशनल है और आपका जो ग्रॉस रेसिट है पूरे साल का 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपसे 50%. 50 no. आप yes. कम बता सकते हो अगर कम बताते हो एंड आपका नेट टैक्सीबल इनकम बेसिक एक्सामिशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो भी आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पे भी जो फिफ्टी मार्च है वो, तब तक आपको 100 परसेंट एडवांस टैक्स है वो भरना पड़ेगा और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को जो रेम्यून इंटरेस्ट दिया वो अलाउ नहीं होता है यहां पे नेक्स्ट सेक्शन इज फोर्टी एड टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्टर ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और पूरे साल में मिला के आपके पास दस से ज्यादा व्हीकल नहीं है यू आर नॉट हैविंग मोर देन व्हीकल मैक्सिमम आपके पास दस व्हीकल हो सकते हैं दस से ज्यादा व्हीकल नहीं हो सकते है. आपके पास मैक्सिमम दस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो अब ये सेक्शन क्या बोलती है पता है आपको पीजीबीपी का इनकम कितना बताना है दो पार्ट हैवी गुड्स व्हीकल है या फिर तुम्हारा अदर व्हीकल है हैवी गुड्स व्हीकल किसको बोलेंगे ऐसा व्हीकल जिसका जो कैपेसिटी है हैवी गुड्स व्हीकल ऐसे व्हीकल को बोलते हैं जिसका जो कैपेसिटी है वो ट्वेल्व टन से ज्यादा है जिसका जो कैपेसिटी है उसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो ग्रॉस व्हीकल वेट आपको 12 टन से ज्यादा है 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है उसको अपन हैवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे तो हैवी गुड्स व्हीकल के, के केस में हम क्या करेंगे कि पीजीबीपी का इनकम कितना आएगा पता है पर व्हीकल का पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वन पर टन वन थाउजेंड पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ उस व्हीकल का इनकम बना जाएगा जैसे मान लो मेरे पास दो हैवी गुड्स व्हीकल है और उसका कैपेसिटी है वो ट्वेंटी थाउजेंड किलोग्राम है और आई कैंसर है ट्वेंटी टन है तो मैं क्या करूंगा पर so टन का वन थाउजेंड सो ट्वेंटी थाउजेंड एवरी मंथ हर व्हीकल का इनकम है वो माना जाएगा तो वन थाउजेंड पर टन पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लेकिन जो भी अदर व्हीकल है जैसे मीडियम व्हीकल या लाइट व्हीकल है उसके केस में पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है वो इनकम लिया जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पे व्हीकल को पुट टू यूज करने की जरूरत नहीं है आपको व्हीकल को यहां पर जरूरत नहीं है आप अगर ओन करते हो तो इनकम लिया जाएगा जैसे मान लो व्हीकल है पूरे बारह महीने में से फोर मंथ गैरेज में रहा रिपेयरिंग के लिए गैरेज में रहा तो कि भी क्या वो फोर मंथ का इनकम आएगा यानी आंसर इज यस वो फोर मंथ का इनकम है वो इनकम आ जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पे एक डिस्प्यूट था सर ये वन थाउजेंड पर टन है यहां पे लिखा हुआ है वन थाउजेंड पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडेन वेट

उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू आपकी चार सेक्शन है जो सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए है सबसे पहली सेक्शन 44 बी 44 फोर्टी फोर बीती है जो शिपिंग बिजनेस में है नॉन रेजिडेंट है वो शिपिंग बिजनेस में है और उस केस में उसको जो भी भाड़ा मिलता है वो इंडिया में शिप वगैरह लेकर आता है जो भी भाड़ा मिलता है इंडिया में जो गुड्स लोड हुआ इंडिया में जो गुड्स पैसेंजर मेल्स जो लोड हुआ उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो या फिर लोड बाहर हुआ लेकिन उसका भाड़ा इंडिया में मिला है तो उसका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है वो उसका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा तो तो इंडिया में जो लोड हुआ उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो या फिर बाहर लोड हुआ लेकिन उसका भाड़ा इंडिया में मिला है उसका सेवन है वो पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा और फोर्टी फोर बीबीए बोलती है कि अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है तो यहां पे सेवन की जगह फाइव हो जाएगा शिपिंग बिजनेस नहीं एयरक्राफ्ट

ना तो कम बता सकते हो ना ज्यादा बता सकते हो इतना ही आपको बताना पड़ेगा एक और चीज समझना अगर मान लो

पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है डिमरेज चार्जेस है उसको भी आपको इंक्लूड करना है और इंक्लूड करके और फिर आपको सेवन लेना है नेक्स्ट सेक्शन इज फोर्टी फोर बीबी फोर्टी बीबी क्या बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है पता है जो भी पेट्रोलियम नेचुरल गैस के प्रोस्पेक्टेशन एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई सर्विस देता है या फिर प्लांटेड मशीनरी सप्लाई करता है जैसे आपने देखा होगा कि नॉन रेजिडेंट वगैरह फॉरेन की कंपनियां इंडियन कंपनीज को वगैरह रिग मशीन भाड़े पे देती है तो प्लांटेड मशीनरी सप्लाई करती है पेट्रोलियम नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर प्रोस्पेक्टेशन से रिलेटेड तो उसका नॉन रेजिडेंट का इनकम कितना होगा पता है इंडिया में जो एक्टिविटी हुई उसका पैसा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो या एक्टिविटी बाहर हुई लेकिन पैसा इंडिया में मिला है उसका टेन है वो उनका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा और फोर्टी ट्रिपल बी सेक्शन है वो सिर्फ

नो, नेक्स्ट पार्ट इज अफ फोटी फोर सी फोर्टी फोर से ये बोलती है कि अगर इंडिया में ब्रांच है और हेड ऑफिस बाहर है तो हेड ऑफिस के अलोकेटेडेडेड एक्सपेंडिचर जो इंडियन ब्रांच को दिए जाते हैं तो क्या इंडियन ब्रांच को अलाउ होते हैं आंसर इंडियन ब्रांच को जो हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है वो अलाउ होते हैं लेकिन कितने अलाउ होंगे पता है, जो हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है और ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एवर इज लोअर है वो अलाउ होंगे लेकिन एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लो और ग्रॉस टोटल इनकम में आप पुराने साल का जो भी अनएब्सॉर्ड एप्रिशिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह है उसको सेट ऑफ मत करो तो आप जीटीआई लो और जीटीआई में पुराने साल का जो अनएब्सॉर्ब

एक रूल है बेसिकली और रूल नंबर नाइन और नाइन बी और रूल नंबर नाइन ए नाइन बी क्या बोलता है पता है 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 कि अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर उसको जो फिल्म बनाने का जो खर्चा होता है उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा तो देखो उसमें दो पार्ट सबसे पहली चीज जो फिल्म प्रोड्यूसर है फिल्म फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है उसको खर्चे का डिडक्शन जैसे फिल्म बनाने में दो सौ करोड़ लग जाते हैं तो क्या एक साथ दो करोड़ का डिडक्शन मिलेगा तो उससे रिलेटेड रूल है और ये रूल ये बोलता है समझने की कोशिश करना अगर मान लो आपने उसके जो राइट है फिल्म के जैसे संजय लीला वंसाली ने पदमावत बनाई थी और उसके जो राइट है दो करोड़ खर्चा

मूवी जो रिलीज हुई है वो 90 डेज या उससे ज्यादा के लिए जैसे मार्च के थर्टी वन डेज फेब के ट्वेंटी नाइन डेज और जनवरी के आई थिंक थर्ड जनवरी या उससे थर्ड जनवरी है जो है वो थर्ड जनवरी या उससे

तो क्या ये खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल अलाउ होगा या नहीं तो उसको लेके सीबीडीटी का एक सर्कुलर है और सीबीडीटी बोलती है एबेंडन मूवी से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आपको अलाउ हो जाएगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस बाकी वाली एक दो छोटी छोटी सेक्शन है इसको आप देख लेना दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अवर टॉपिक पीजीबीपी गाइस आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है गिव योर हंड्रेड परसेंट गिव योर बेस्ट आपके लिए बहुत कम टाइम बचा है पूरा लगा लो जितनी आपकी हिम्मत है उतनी लगा लो और बेटा बहुत कम टाइम बचा है पढ़ाई पे ध्यान दो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहा करो और अच्छी चीजें खाया करो हेल्थ का पूरा ध्यान रखा करो घर के ठीक है और हेल्थ का ध्यान रखोगे तो ही चीज़ें हैं वो सही होने वाली है सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन और मोटिवेट रहा करो ऑलवेज मोटिवेट रहा करो मेनी टाइम ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए डीमोटिवेट हो जाओ बट डोंट वरी थोड़ा आराम से लंबी सांस लेने के बाद पानी पी लो और उसके बाद मोटिवेट रह के और पढ़ाई किया करो ये जो कोर्स है उसमें चार पाँच छः महीने हैं वो कंटिन्यूस पढ़ाई करनी पड़ती है इस दुनिया से विरक्त होना पड़ता है तब जाके एक डिग्री मिलती है जिसका नाम है सी तब जाके आप फेसबुक में अपने नाम के आगे सी लगा सकते हो सो गाइस गिव योर बेस्ट एंड ये जो अटैम है ये अपने लिए लास्ट होना चाहिए थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है